बहादुरी और पागलपन में बहुत कम फर्क होता है। 21 से लड़ने के लिए 10,000 लेके आए हो और बहादुरी की बात करते हो। तुम ये जंग जीत नहीं सकते। जीत तो हम तभी गए थे जब हमने लड़ने का फैसला किया था। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? दोस्तों आइए जानते हैं कि केसरी मूवी को कितना रिव्यू मिला है, यानी रिव्यू पे कितने स्टार मिले हैं। तो अक्षय कुमार के रोल पर इसी फिल्म में ज़्यादा फोकस किया गया, यानी केसरी मूवी में काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है। हमेशा की तरह वो यहाँ अपने बेहद ही दमदार अंदाज में नजर आ रहे हैं। उनकी एक्टिंग में आपको एक बहादुर सिख सैनिक की झलक देखने को मिलेगी और वहाँ अपने किरदार में पूरी तरह से ढले हुए नजर आ रहे हैं। फिल्म में परिणीति चोपड़ा के सीन्स बेहद ही कम हैं, लेकिन उनके काम को आपको जरूर पसंद आएगा। एक पत्नी और प्रेमिका में किरदार में वो रोल के साथ पूरी तरह में न्याय करती नजर आती हैं। फिल्म का म्यूजिक बहुत ही खूबसूरत है। फिल्म के गानों में देसी मिठास का एहसास होता है जो आपको आपके गांव की याद दिला देगी। इस फिल्म के गीत में शोर शराबा कम और सुकून ज़्यादा है जो आपके दिल को छू लेगी। बात करें फिल्म की बैकग्राउंड स्कोर की तो बेहद ही लाजवाब है। इसके एक्शन सीन में जिस तरह के बैकग्राउंड स्कोर का जोड़ा गया है उस सीन के और भी प्रभावशाली बनाने में। कारागड़ी की लड़ाई पर आधारित यह फिल्म आपके दिल को छू लेगी और साथ ही आपको भाव भी कर देगी। फिल्म में अच्छे का जोशीला अंदाज आपको पसंद आएगा। यह फिल्म उन सिखों के महज बहादुरी की नहीं बल्कि उनके अंदर मौजूद इंसानियत को भी दर्शाती है। फिल्म में बताया गया कि युद्ध के साथ ही मानवता का होना भी जरूरी है। इस फिल्म के वार सीन्स आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। फिल्म की कहानी, इसका लोकेशन और साथ ही इसकी स्टोरी सेटिंग आपको युद्ध और उसके दौर में ले जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि फिल्म आपको देशभक्ति के जज्बे से भर देगी। अगर आप अक्षय कुमार के फैन हैं और देशभक्ति जुड़ी फिल्में या फिर पीरियड ड्रामा और वार पर आधारित फिल्म आपको पसंद है तो आपको ये फिल्म जरूर पसंद आनी चाहिए। दोस्तों अगर क्रिटिक्स की बात करें तो तारण आदर्श ने 5 में 4 स्टार इसे दिए हैं। अगर हम कोमल नाहता सर की बात करें तो कोमल नाहता ने भी 5 में 3.5 स्टार दिए हैं। दोस्तों इस तरह फिल्म के क्रिटिक्सों के रिव्यू के अनुसार फिल्म का अंदाजा यानी बॉक्स ऑफिस पे सीधे इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम आज बॉक्स ऑफिस भी थोड़ी सी बात कर ले तो बॉक्स ऑफिस भी 25 से 30 करोड़ रुपये लगभग में कलेक्शन कर सकती है। इसमें कोई दायरा नहीं है कि इसमें छुट्टियों का दिन है, उसे होली का त्यौहार है, फिर भी ये कलेक्शन 25 से लेकर 30 करोड़ तक रहेगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। हम आपको मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।